हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि ये आपको किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाता है और आजकल के कोरोना काल में हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी महंगा पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसी डिसीजन को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC अर्गो के दो काफ़ी पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें से पहला है ऑप्टिमा रिस्टोर और दूसरा है ऑप्टिमा सिक्योर। फ्रेंड्स, HDFC अर्गो ने ऑप्टिमा सिक्योर काफ़ी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इस वीडियो में हम इसे कंपेयर करने वाले हैं एग्जिस्टिंग प्लान से और साथ ही में वीडियो के एंड में कंपेयर करेंगे दोनों ही प्लान के प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करें जो कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले समझना ज़रूरी है इनकर्ड क्लेम रेशो के बारे में। ये रेशो बताता है कि कंपनी टोटल जितना भी प्रीमियम लेती है अपने कस्टमर्स से उसमें से कितना वो वापस क्लेम्स के रूप में देती है। किसी भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये रेशो 50-90% के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें HDFC अर्गो की, जो कि इंडिया की वन ऑफ दी टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में है, तो ये रेशो है 79.3, जो कि काफ़ी हेल्दी रेशो है। फ्रेंड्स, इस रेशो को पब्लिश करता है IRDA और ये लास्ट पब्लिश हुई थी दिसंबर 2021 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नवंबर 2020 में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस और HDFC अर्गो का मर्जर हुआ था और उसके बाद ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान जो कि ओरिजिनली अपोलो म्यूनिक का था उसे HDFC अर्गो अब ऑफर करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा रीस्टोर और HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के फीचर्स। सबसे पहला है सम इंश्योर्ड। इस पर डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना क्लेम मिलेगा। ऑप्टिमा रीस्टोर में पॉलिसी स्टार्ट होती है 3 लाख से और मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख तक। फ्रेंड्स, पर ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो यहाँ मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है 5 लाख से और मैक्सिमम है 2 करोड़ तक। फ्रेंड्स, दोनों ही पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, फैमिली फ्लोटर में जो सम इंश्योर्ड होता है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो 24 आवर्स से ज़्यादा का है तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं डायग्नोस्टिक चार्जेस, डॉक्टर फीस, ICU चार्जेस, रूम रेंट, ब्लड एनिस्थीसिया, मेडिसिन चार्जेस इत्यादि। फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही पॉलिसी HDFC अर्गो की है तो रूल्स यहाँ पर सेम है और दोनों ही पॉलिसी में सिंगल AC प्राइवेट रूम कवर्ड है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ऑप्टिमा सिक्योर में 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो आप स्वीट भी बुक कर सकते हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए सिंगल प्राइवेट AC रूम काफ़ी सफिशिएंट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के मेडिकल टेस्ट, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक चार्जेस कवर्ड होते हैं। यहाँ पर दोनों ही पॉलिसीज में लिमिट है 60 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन। इसी तरीके से अगर बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो यहाँ पर लिमिट है 180 डेज तक की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, यानी कि आप पूरे ईयर में कोई क्लेम नहीं करते हैं और नेक्स्ट ईयर जब अपनी पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। अगर बात करें ऑप्टिमा रीस्टोर की तो यहाँ पर आपको 50% सम इंश्योर्ड मिलता है अगर आप 1 ईयर कोई क्लेम नहीं कराते हैं और नेक्स्ट ईयर भी कोई क्लेम नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली 2 साल बाद डबल हो जाता है। और ये मैक्सिमम फ्रेंड्स 100% या डबल तक ही हो सकता है। और अगर आप जिस भी ईयर में क्लेम करेंगे तो ये उसी रेट से कम होगा, यानी कि अगर आप 3rd ईयर में क्लेम करेंगे तो ये वापस कम होकर 50% रह जाएगा। पर फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो यहाँ पर पॉलिसी में कुछ नया किया गया है और इसका नाम दिया गया है प्लस बेनिफिट। यहाँ पर अगर आप क्लेम करें या ना करें, आपका सम इंश्योर्ड अगले साल 50% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और 2 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली 100% बढ़ जाएगा, इररिस्पेक्टिव अगर आप क्लेम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये
ऑप्टिमा सिक्योर का एक यूनिक फीचर है और इनफैक्ट बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से भी कंपेयर करने में ये एक यूनिक फीचर आपको मिलेगा। फ्रेंड्स ये मैक्सिमम 100% तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं रिस्टोर बेनिफिट की। जब भी आप पॉलिसी में क्लेम करते हैं तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड दोबारा ऐड हो जाता है, चाहे वो फुल्ली यूटिलाइज हुआ हो या फिर पार्शली। फ्रेंड्स पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी है। रीस्टोर बेनिफिट एक पॉलिसी में एक साल में एक ही बार आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये फीचर दोनों ही ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रीस्टोर में अवेलेबल है। फ्रेंड्स पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्टिमा सिक्योर में एक फीचर और अवेलेबल है जिसका कि नाम दिया गया है सिक्योर बेनिफिट। उसमें ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर 20 लाख हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो ये फीचर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक रीस्टोर के ऊपर है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए एक 10 लाख की पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी के सेकंड ईयर पे है और फर्स्ट ईयर में उसने कोई क्लेम नहीं किया है। अगर वो ऑप्टिमा रीस्टोर लेता है तो उसका बेसिक सम इंश्योर्ड हुआ 10 लाख प्लस नो क्लेम बोनस हुआ 5 लाख। अगर वो ऑप्टिमा सिक्योर लेता है तो उसका बेसिक सम इंश्योर्ड हुआ 10 लाख और उसके ऊपर हुआ प्लस बेनिफिट 5 लाख का। और फ्रेंड्स क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर में ऑटोमेटिकली सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है तो उसे कहा गया है सिक्योर बेनिफिट जो कि है और 10 लाख का। फ्रेंड्स मैक्सिमम ऑप्टिमा रीस्टोर की बात करें तो वो एक क्लेम में ले सकता है 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख। और अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो वो मैक्सिमम ले सकता है एक ही क्लेम में 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 25 लाख। आप देख सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और फ्रेंड्स अगर वो जैसे ही कोई भी अमाउंट क्लेम करता है तो उसकी पॉलिसी में ऑटोमेटिक रीस्टोर की वजह से 10 लाख और ऐड हो जाता है जिससे कि वो उसी ईयर में फ्यूचर क्लेम्स में यूज़ कर सकता है। तो अगर बात करें ऑप्टिमा रीस्टोर के लिए तो टोटल ईयर में 25 लाख तक क्लेम कर सकता है और अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो वो टोटल ईयर में 35 लाख तक का क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में उसका टोटल क्लेम अमाउंट भी बढ़ गया और एक क्लेम में वो मैक्सिमम कितना कर सकता है वो अमाउंट भी बढ़ गया 10 लाख से। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, यानी कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन इज़ लेस देन 24 आवर्स। यहाँ पर दोनों ही पॉलिसीज़ में सेम रूल है और सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डे केयर ट्रीटमेंट में OPD कवर्ड नहीं होता है। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट एट होम या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया नहीं जा सकता है या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। और साथ ही में फ्रेंड्स ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना चाहिए। फ्रेंड्स दोनों ही पॉलिसी में सेम रूल्स एप्लीकेबल हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। ऑप्टिमा रीस्टोर में आप 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और बात करें ऑप्टिमा सिक्योर में तो वहाँ पर आप एज पर एक्चुअल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स और अगर एयर एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ ऑप्टिमा रीस्टोर में 10 लाख एंड अबव की पॉलिसी में एप्लीकेबल है और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो ये 5 लाख ऑनवर्ड की पॉलिसी में एप्लीकेबल है और यहाँ पर लिमिट है 5 लाख रुपीज़ तक की। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट बात करें ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की तो वो दोनों ही पॉलिसी में कवर्ड हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनिटी कवर की। यहाँ पर दोनों ही पॉलिसीज़ में मैटरनिटी कवर नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं OPD यानी कि कंसल्टेशन चार्जेस। जब आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं तो इस केस में दोनों ही पॉलिसीज़ में OPD या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के चार्जेस कवर्ड नहीं हैं। फ्रेंड्स किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले एक्सक्लूजन समझना बहुत ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं कुछ एक्सक्लूजन। सबसे पहला है वेटिंग पीरियड। यहाँ पर पॉलिसी लेते ही 30 डेज का वेटिंग पीरियड है किसी भी क्लेम के लिए एक्सेप्ट एक्सीडेंट। फ्रेंड्स ये दोनों ही पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग पीरियड के वेटिंग पीरियड की। यहाँ पर दोनों ही पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स। फ्रेंड्स IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से सर्टेन डिसीजेज में ये वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर्स। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हुए अर्थराइटिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट इत्यादि। फ्रेंड्स इसके अलावा एल्कोहल ड्रग
ओवर यूज से हुए कोई भी डिसीजेस तीनों ही पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं है फ्रेंड्स। साथ ही में डेंटल और आई केयर के ट्रीटमेंट पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्जेनिटल यानी कि बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट STD यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस HIV इत्यादि भी पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। जनरली ये हर कंपनी की पॉलिसी में सेम रूल्स होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए अब कंपेयर करते हैं इन दोनों पॉलिसी के प्रीमियम। मान लीजिए राम जिसकी की एज है 30 ईयर्स, वो अपने साथ अपनी वाइफ जिसकी एज है 30 ईयर्स अपने लिए ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान लेता है। उसने सम इंश्योर्ड रखा है 10 लाख का, तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 16,205। यही अगर वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है ऑप्टिमा सिक्योर में तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 21,945। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, पर यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी काफ़ी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ऑप्टिमा रीस्टोर में प्रीमियम डिपेंड करता है प्लान में मैक्सिमम एज वाले मेंबर के ऊपर, पर यहाँ पर ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो फ्लोटर पॉलिसी में जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी एज के ऊपर टोटल प्रीमियम डिपेंड करता है। आप अपनी एज और अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से खुद जाकर HDFC अर्गो की साइट पर भी प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है आपने टोटल फैमिली फ्लोटर प्लान में कितने लोगों को ऐड किया है, उनकी क्या एज है, उनकी कैसी हेल्थ कंडीशन है, आप किस सिटी में रहते हैं, आपकी स्मोकिंग हैबिट्स क्या है, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है उसके ऊपर। फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों पॉलिसी का प्रीमियम देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, पर यहाँ पर आपका सम इंश्योर्ड ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट बात करें HDFC अर्गो की हॉस्पिटल कवरेज की, तो यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 13,000 प्लस हॉस्पिटल्स उन्होंने टाई अप किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप ऑनलाइन डायरेक्टली HDFC अर्गो की साइट से अपने प्लान लेते हैं, और अगर आप 1 ईयर के बदले 2 ईयर प्रीमियम चूज़ करते हैं तो भी आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो आप अपनी बजट और अपनी प्लान के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल FinHub को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए, और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो दबा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।